नमस्कार, मैं हूँ राशि और आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे मीठे चावल। मीठे चावल बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा बाउल और उसमें डालेंगे चावल। यहाँ पर मैं एक कप चावल यूज़ कर रही हूँ। अब इन्हें हम 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धोएंगे। चावल अच्छे से साफ हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और आधा घंटा हम भिगोकर रखेंगे। आधा घंटा हो गया है तो अब हम इन चावल को उबालेंगे। इसके लिए लेंगे एक पतीला और उसमें डालेंगे पानी। यहाँ हम पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि जब इसमें चावल 70-80% उबल जाएंगे तो जो ये बचा हुआ पानी है इसे हम निकाल देंगे। पानी में हम डालेंगे 2 लौंग, 2 छोटी इलायची जिन्हें हम थोड़ा तोड़कर डालेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता। अब हम इस पानी में डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर और कुछ धागे केसर के। रंग डालना पूरी तरह ऑप्शनल है। यहाँ पर आप रंग देने के लिए थोड़ी सी हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी को उबलने देंगे। पानी उबलने लगा है तो इसमें डालेंगे भिगोए हुए चावल। यहाँ चावल को हम 70-80% पकाएंगे। इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। चावल को पकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। चावल 80% पक गए हैं तो इन्हें हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। चावल उबालते टाइम जो हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे उन्हें भी हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर तो ऑलरेडी चावल में आ गया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे देसी घी। घी के गर्म होते ही इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए बादाम, काजू और ये स्लाइस में कटा हुआ सूखा नारियल। मीठे चावल में सूखे नारियल का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इन सबको हम आधा मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए चावल और यहाँ पर मैं कुछ केसर के धागे और ऐड कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें गुलाब जल जरूर डालें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन्हें हम एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। अब इसका ढक्कन लगाकर हम 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे क्योंकि चावल हमारे 80% पके थे तो ऐसे में चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और चावल भी पूरी तरह पक जाएंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, और चावल भी पूरी तरह पक गए हैं। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। मीठे चावल को डालेंगे सर्विंग बाउल में और गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ। तो तैयार है हमारे मीठे चावल। बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।